आपका रूम श्वेता, ये बच्चे ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग चल रहे हैं, एडमिट क्यों नहीं हुए? अरे जल्दी ज्वाइन हो भाई, क्या हुआ? चिराग अपना वीडियो ऑन करना, चिराग वीडियो ऑन करना जरा। चिराग वीडियो ऑन करिए अपना। चिराग वीडियो ऑन करो। दिक्कत क्या है आप लोगों को? अपने नाम से आया करो ना, दूसरों के नाम से क्यों आते हो? फिर वीडियो ऑन नहीं करते हो है? चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो भाई जल्दी ज्वाइन हो। हाँ तो हो गए ज्वाइन सभी सभी को गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, ठीक है? कल आपका जो सॉलिड स्टेट है वो मैंने स्टार्ट करा दिया था, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने सॉलिड स्टेट में आपको याद होगा क्या कराया था, सॉलिड स्टेट में बताया था सॉलिड के दो टाइप होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है कौन सा आपका, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है? आपको बिल्कुल याद होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड दो टाइप के क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है? इसके बाद अमॉर्फस सॉलिड के टाइप नहीं है सिलेबस में, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसे फोर पार्ट में डिवाइड किया था, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है? फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इतना मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और जो अमॉर्फस सॉलिड है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? और ये डिफरेंस आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, ठीक? तो हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन, आज इसी को कंप्लीट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है? जो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड है इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक? इसका जो डिफरेंस है बेटा वो काफी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखना जरूरी है। पहले तो आप समझिएगा, फिर इसे याद रखेंगे। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एवरी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और बीच में खींच लेते हैं एक लाइन, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं कौन सा, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में जो डिफरेंस है, कल जो दो डिफरेंस डेफिनेशन के बेस पर मैंने आपको बताए थे वो आप लोगों को याद होंगे। जैसे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, याद है? तो फर्स्ट डिफरेंस लिख लेते हैं इसका क्या है, दे शो स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है? तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं,
दे कैन नॉट शो, दे कैन नॉट शो स्पेसिफिक स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ arrangement of constituent particles. ठीक है, ये constituent particles का three dimensional arrangement show नहीं करता. ठीक है, कौन नहीं करता? ये जो आपका amorphous solid है ये नहीं करता. इसके अलावा दूसरा point भी मैंने बताया था, इसमें सभी constituent particles सभी एक जैसे हैं. ठीक है, यहाँ पर शुरुआत में भी एक जैसे हैं और लास्ट तक बिल्कुल एक जैसे बने आते हैं, इसलिए इसका जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. ठीक है, ये क्या शो करते हैं, दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट. ठीक है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट शो करते हैं. जबकि जो आपके ये हैं अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड क्या करते हैं, दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर. ठीक है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं. शॉर्ट रेंज ऑर्डर आप समझते हैं कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं, कुछ सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं, जैसे ये है. ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा सा आ गया, इसके बाद कुछ गोले गोले से आ गए. ठीक है, उसके बाद ये इस शेप का आ गया, तो ये टेढ़े मेढ़े से शेप के बने होते हैं. तो इनका जो ऑर्डर रेंज ऑर्डर है वो कैसा होता है, काफी कम होता है सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो नहीं करने के कारण. ठीक है, अब बात करते हैं इनमें थर्ड डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा. जो थर्ड डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस क्या है बेटा इनका, ये ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे बच्चे, चलो कोई नहीं. अब थर्ड डिफरेंस क्या हो रहा है इनका, दे शो स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर देयर मेल्टिंग. ठीक है, यानी कि आप इसे क्या लिख सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, शार्प होता है. ठीक है, सात मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि ये जैसे मान लीजिए कितना आपका 180 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होते हैं, तो पूरे के पूरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी 180 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, शार्प होता है. ठीक है, बात समझ रहे हैं. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, असर्जन रीजन में आ सकता है. तो ध्यान से सुनिएगा, इनके जो क्या होते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, एमपी मैंने लिख दिया है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है. शार्प का मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे. समझ गए? जबकि इनमें जो इनकी बात करें, ये कौन से आपके अमॉर्फस सॉलिड, तो दे शो अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग. यानी कि आप इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, आपका टेम्परेचर की वाइड रेंज शो करता है. ठीक है, अब देखिए इनका वाइड रेंज टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट कैसे शो करता है, उसे जरा ध्यान से समझिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है, कोई है वो 180 डिग्री पर मेल्ट हो रहा है, एक है वो आपका 300 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रहा है. तो क्या है, 100 से लेके 300 तक एक पूरी की पूरी एक वाइड रेंज बन गई, एक अच्छी खासी रेंज बन गई किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की. ठीक है, तो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट की है एक वाइड रेंज टेम्परेचर शो करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं होता. ओके, ठीक है, तो रख देती हूँ ग्रीन मार्कर. तो जो आपका देश को वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग के लिए इनका जो वाइड रेंज होना होता है.
ठीक है। और होता क्यों है वाइड रेंज, जरा समझिएगा। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनका सभी का जो शेप है, ठीक है, ये इस कारण से इनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सभी का अलग अलग होने के कारण एवरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मेल्टिंग पॉइंट सेम नहीं हो सकता। और जब सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सेम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक वाइड रेंज ऑफ फ्यूजन या वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, कौन, हमारे अमॉर्फस सॉलिड। हो गई इतनी बात। अब आते हैं इनके फोर्थ पर। फोर्थ क्या है समझिएगा जरा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो दे शो क्लीन क्लीवेज, और इसमें हम लिख देते हैं दे शो रफ रफ क्लीवेज क्लीवेज ऑफ सरफेस। हाँ भाई, ये भी इसमें एक अच्छा खासा एक बड़ा सा डिफरेंस है, और ये अच्छा खासा बड़ा सा डिफरेंस है क्या बेटा, दे शो क्लीन क्लीवेज। ठीक है, दे शो क्लीवेज का मतलब समझते हैं, काटना, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जब इसे एक शार्प नाइफ से क्या किया जाता है, क्लीव किया जाता है। जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प नाइफ से क्लीव किया जाता है, कट किया जाता है, तो जो कट काटने वाली सरफेस होती है, जो कटने वाली, काटने वाली नहीं, जो कटने वाली सरफेस होती है वो पूरी स्मूथ होती है, पूरी कैसी होती है, क्लीन सरफेस होती है। ठीक है, जैसे आपने इसे कट किया, ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कट कर रहे हैं इस नाइफ से, और नाइफ कैसी हमारी, काफी शार्प है। तो जब आप इसे कट करेंगे तो इससे यहां से ये कट हुआ और ये पूरा का पूरा एक इतना पार्ट अलग हो गया। ठीक है, कट होके इतना पार्ट अलग हो गया, तो इसकी जो सरफेस है ये सरफेस कैसी होगी, पूरी स्मूथ होगी, बिल्कुल चिकनी सरफेस से आपका ये क्या करता है, क्लीवेज देता है। तो इसकी जो क्लीवेज है पूरी कैसी होती है, काफी शार्प होती है और क्लीन होती है। और इसकी जो सरफेस है वो काफी रफ सरफेस होती है, जैसे ये अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड को काफी साफ टूल से ही आपने यहाँ पर क्लीव किया, तो ये जो क्लीवेज की सरफेस होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, मींस इतना पीस अलग हुआ और ये जो पीस है वो कुछ इस टाइप का अलग होगा। ठीक है, ये जो सरफेस है स्मूथ नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी सी सरफेस है। ठीक है, और ये किस कारण से है, इसी कारण से क्योंकि इनका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल सेम नहीं है। तो ये कैसे देते हैं, दे शो रफ क्लीवेज ऑफ सरफेस, सरफेस की क्लीवेज रफ देते हैं जब इन्हें किसी शार्प टूल से कट किया जाता है, क्लीव किया जाता है, और दे शो क्लीन क्लीवेज, जो इनका क्या है, क्लीवेज है वो कैसा होता है, बिल्कुल क्लीन होता है इनकी सरफेस का। चलिए आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसमें और क्या डिफरेंस है। तो जो फिफ्थ डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में और अमॉर्फस सॉलिड में, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है कैसे होते हैं, इन्हें इनका दूसरा नाम है ट्रू सॉलिड। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रू सॉलिड। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है इन्हें हम बोलते हैं स्यूडो, स्यूडो सॉलिड, स्यूडो का मतलब फॉल्स, गलत, और सुपर कूल्ड, सुपर कूल्ड लिक्विड। बात समझ रहे हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, ट्रू सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड के, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये सॉलिड के सभी करेक्टरिस्टिक फीचर्स को क्या करते हैं, शो करते हैं, ये सॉलिड के सभी करेक्टरिस्टिक फीचर को शो करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, ट्रू सॉलिड। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड कहते हैं, फॉल्स सॉलिड कहते हैं, एक झूठा सॉलिड कहते हैं। ठीक है, या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। मीन्स क्या है कि ये लगते तो सॉलिड जैसे हैं लेकिन सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करते। तो जो अमॉर्फस सॉलिड है देखने में तो सॉलिड जैसे ही होते हैं लेकिन सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल नहीं करते हैं, इसीलिए इन्हें स्यूडो सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें फ्लो करने की कैपेसिटी होती है, दे कैन शो
कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग। तो जैसे आपकी बहुत ठंडी चीज, जैसे आपका ग्लास है, ग्लास को हम एक सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ये आप ग्लास देखा है, आप सभी ने कांच देखा है, कांच देखने में कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे वर्टिकली वर्टिकली लंबे टाइम तक ग्लास को रखा जाए, तो जैसे मान लीजिए ग्लास है और ग्लास को वर्टिकली रखा गया है इस टाइप से, तो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो ग्लास है, ग्लास ऊपर से तो काफी थिन हो जाएगा और कुछ टाइम बाद करीब आप समझ लीजिए 50 से अबव ईयर, ठीक है, 80-90-100 साल तक, तो ये ऊपर से तो काफी थिन हो जाएगा, यही कन्वर्ट हो गया, ऊपर से नीचे पहले सेम था, लेकिन 50 साल बाद जब हमने देखा तो ऊपर से तो काफी थिन हो गया और नीचे से कैसा हो गया, थिक हो गया। तो क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि ग्लास क्या हो गया, फ्लो हो गया, ऐसे रखा था तो ग्लास कैसा हो गया आपका, फ्लो होके नीचे खट्टा आ गया, हो गया, इसीलिए जो बॉटम है वो थिक हो गया और जो उसका टॉप है वो काफी थिन हो गया। बात समझ गए, इसीलिए इसे बोलते हैं ग्लास एक स्यूडो सॉलिड है जिसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं, ठंडा लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड में ही कैपेसिटी होती है फ्लो करने की। ये ग्लास फ्लो हो गया और फ्लो करने की कैपेसिटी, जो आपका फ्लो करने की कैपेसिटी है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिक्विड का, यानी कि ये क्या है, एक लिक्विड हुआ, देखने में तो सॉलिड जैसा है लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी शो कर रहा है, वो शो कर रहा है एक लिक्विड की, इसीलिए इसे कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। और सुपर कूल्ड लिक्विड का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्या, ग्लास, ठीक है, ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड जिसकी हाई विस्कोसिटी होती है, वेरी हाई विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी कैसी होती है बेटा, बहुत 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 ही ज्यादा हाई होती है, बात समझ गए, इसकी जो विस्कोसिटी है कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, ठीक है, और इसीलिए ये बहुत स्लो 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 क्या होता जाता है, फ्लो होता जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका भी, और इसमें डिफरेंस है वो मैं आगे कराती हूँ। भैया भैया चले रफ कर दो उसे, आइए आगे। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड है, इसमें एक जो मेन बहुत बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो है, ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, ठीक है, पूरा लिखती हूँ, दे शो एन आइसोट्रॉपी, दे शो एन आइसोट्रॉपी, और जबकि ये है मीन्स अमॉर्फस सॉलिड है, दे शो आइसोट्रॉपी, आइसोट्रॉपी, सो ऑल्सो नोन एज, सो ऑल्सो नोन एज आइसोट्रॉपिक सॉलिड, और इसे हम लिख सकते हैं सो Also known as anisotropic solid। चलो भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये डिफरेंस में भी आता है और वन मार्क्स में आपका आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। मीन्स आपको डेफिनेशन दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोट्रॉपी को, एनआइसोट्रॉपी को, क्रिस्टिलेट को, या फिर आपका फोर्स दे रखा होगा जैसे कूलम्बिक फोर्स को। तो इसकी डेफिनेशन को आपको प्रॉपर याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी होती क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किस बात में कंफ्यूज होते हैं वो भी मैं आपको बताए दे रही हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड को वो बोल देते हैं आइसोट्रॉपिक, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक, बात समझ गए ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमेशा कैसा होता है, एन आइसोट्रॉपिक, और अमॉर्फस सॉलिड कैसा होता है आपका, आइसोट्रॉपिक सॉलिड होता है। अब आखिर ये आइसोट्रॉपी एंड
एन आइसोट्रॉपी होती क्या है। तो आइसोट्रॉपी समझिएगा पहले, ठीक है। हम समझते हैं किसे, आइसोट्रॉपी को। आइसोट्रॉपी डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार इसे पूछा भी जा चुका है। तो आइसोट्रॉपी क्या है, आइसोट्रॉपी एक ऐसा करेक्टरिस्टिक है अमॉर्फस सॉलिड का जिसमें कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक और है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, इन तीनों में से कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में अगर सेम रहती है तो वो कहलाती है आइसोट्रॉपी। और इस प्रॉपर्टी को शो करने वाले जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड्स कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड, ठीक है। दोबारा से डेफिनेशन सुन लीजिए, आइसोट्रॉपी क्या होती है, आइसोट्रॉपी इज अ कंडीशन बाय विच सम सॉलिड्स शो सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम थर्मल एक्सपेंशन, सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन ऑल डायरेक्शन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोट्रॉपी एंड दिस प्रॉपर्टी शोन बाय अमॉर्फस सॉलिड, दीज अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज दीज सॉलिड्स आर नोन एज अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड ही ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई कि आइसोट्रॉपी क्या बलाती है आपकी। तो आइसोट्रॉपी समझ सकते हैं, इन दिस प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, डेफिनेशन लिख देती हूँ, इन दिस प्रॉपर्टी सॉलिड शो सम सॉलिड शो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक, अरे यार मार्कर क्यों नहीं चल रहा, लाइक थर्मल एक्सपेंशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो आइसोट्रॉपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं किसमें, सभी डायरेक्शन में सेम होंगे तो वो कहलाएगी आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी जो शो करते हैं वो कहलाते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया आपका आइसोट्रॉपी, आपका अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड का ये एक पीस है। अगर हम बात करें इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम इधर भी जैसा होगा बेस सेम वैसा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इधर से अगर आपका जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर वाले पार्ट का भी वैसा ही होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले पार्ट का भी वैसा ही होगा। जो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जैसा ऊपर शो कर रहे हैं बिल्कुल नीचे वैसा ही शो करेंगे, तो सारे डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन हो सकता है, ये भी डायरेक्शन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कैसी रहेंगी, ऑलवेज सेम रहेंगी, तो वो कहलाती है आइसोट्रॉपी। और एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा एनआइसोट्रॉपी, ठीक है। एनआइसोट्रॉपी क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड विच शो सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा डिफर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। बस सेम की जगह इसमें क्या आ जाएगा, डिफर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो एन आइसोट्रॉपी होती है, एन आइसोट्रॉपी में ये सारी प्रॉपर्टी एवरी डायरेक्शन में कैसी हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। और ये शो कौन करता है, एनआइसोट्रॉपी शो करता है कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एवरी डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब एवरी डायरेक्शन में कैसी होती है, अलग होती है। क्यों होती है जरा देखिए,
मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक NaCl का क्रिस्टल लैटिस है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, यहाँ पर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस टाइप का हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस है। अब आप खुद ही समझिए, अगर आप इसे कट कर रहे हैं, क्लीव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में जो मैंने एरो बनाया है, इस डायरेक्शन में आपने इसे क्या किया, क्लीव किया, कट किया, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। जबकि अब आप इसे इस डायरेक्शन में क्लीव कर रहे हो, इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो आप खुद समझिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर सारा न्यूट्रल हो रहा है और यहाँ पर सारा का सारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस कारण से इसमें दो डायरेक्शन में अगर इसे कट कर रहे हैं तो दोनों में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसी हो जाती है, डिफर हो जाती है, और किस कारण से डिफर होती है, इनके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न के कारण डिफर होती है, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखना। जो एनाइसोट्रोपस हैं वो कौन होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। एवरी डायरेक्शन में ये सारी प्रॉपर्टी कैसी हो जाती है, डिफर हो जाती है, इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और एवरी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है तो इसे हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी, ठीक है। चलिए इस पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आई थिंक आप समझे होंगे इसे। हो गया, चल रब कर देते हैं इसे। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, आए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो आपको पढ़ना ही है, अमोर्फस सॉलिड को आपको यहीं पर छोड़ देना है। लेकिन इसे छोड़ने से पहले इसके कुछ यूज पढ़ लेते हैं कि अमोर्फस सॉलिड को यूज कहाँ करते हैं। तो लिख लेते हैं यूजेस ऑफ अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है, अमोर्फस सॉलिड को कहां पर यूज किया जाता है। चलिए आइए, अमोर्फस सॉलिड को कहां पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहले है बहुत सारे आपके, जैसे कि ग्लास, ग्लास है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक्सेट्रा आर अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड यूज्ड इन डिफरेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन या मेकिंग। तो आपके बहुत सारे अमोर्फस सॉलिड हैं, जैसे कि ग्लास हुआ, ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, ग्लास हुआ, इसके अलावा हमारा प्लास्टिक हुआ। ये आप अपने घरों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे ये रहा मार्कर, मार्कर किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से ही तो बना हुआ है। तो ये सब क्या होता है, ये सब अमोर्फस सॉलिड है, और इनका यूज कहाँ किया गया है आप बहुत जगह देख सकते हैं कि अमोर्फस सॉलिड का यूज किधर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड से और क्या कर सकते हैं, जो मेन है जैसे कि रबड़, ठीक है, याद रखिएगा, रबर, रबर का यूज किया जाता है मेकिंग मेकिंग टायर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। जो रबर है वो भी एक अमोर्फस सॉलिड का ही टाइप है, और इससे हम क्या बनाते हैं, इससे रबर वगैरह का फॉर्मेशन किया जा सकता है, इससे आपका टायर्स वगैरह का फॉर्मेशन किया जा सकता है। इसके अलावा एक है हमारी अमोर्फस सिलिकन, कौन सा है, अमोर्फस सिलिकन, अमोर्फस सिलिकन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख रही हूँ। अमोर्फस सिलिकन का यूज किया जाता है सोलर सेल या सोलर पैनल के फॉर्मेशन में। तो अमोर्फस सिलिकन का यूज किया जाता है सोलर पैनल के फॉर्मेशन में, जिससे कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
ठीक है, सोलर सेल बनाए जाते हैं ना, उसमें जो सिलिका यूज की जाती है वो अमोर्फस टाइप की होती है। ठीक है, तो अमोर्फस याद रखिएगा बेटा। हाँ, इसका प्रशस्ति पॉलीमर हो सकता है। तो अमोर्फस सिलिका का यूज कहाँ किया जाता है, लिख लेते से पूरा। अमोर्फस सिलिका का यूज किया जाता है सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे यूज, किसके यूज हो गए, ये अमोर्फस सॉलिड के यूज हो गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचे। हाँ, अब इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिएगा, बोर्ड में जो अभी तक आपने पढ़ लिया, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन है कि ओल्ड विंडो पेन्स होते हैं, ओल्ड बिल्डिंग में जो ग्लास के विंडो पेन्स लगे होते हैं वो बॉटम पर थिक और जो टॉप है उस पर थिन क्यों हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, ये आपके जो ग्लास है, ग्लास इज द अमोर्फस सॉलिड विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, जो फ्लूडिडिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, जिस कारण से लंबे समय तक वर्टिकल खड़े रहने के कारण जो ग्लास है वो हाई विस्कोसिटी शो होने के कारण फ्लो कर जाता है और बॉटम उनका थिक हो जाता है और टॉप कैसा हो जाता है, थिन हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी तक लास्ट ईयर में आप ये कहिए कि एवरी वन ईयर के बाद रिपीटेशन होता है इसका। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है क्रिस्टिलेट। क्रिस्टिलेट क्या होते हैं, क्रिस्टिलेट, ठीक है, क्रिस्टिलेट क्या होते हैं, इनका क्या वर्क है, ये किस में मिलते हैं। तो क्रिस्टिलेट समझिएगा, अमोर्फस सॉलिड में, अमोर्फस सॉलिड में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं। तो अमोर्फस सॉलिड का वो पार्ट जिसमें प्रेजेंट जो पार्टिकल्स है सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो करते हैं, उन छोटे छोटे से पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टिलेट बोलते हैं। जैसे अमोर्फस सॉलिड है, एक मैं अमोर्फस सॉलिड यहाँ पर आपको बना के दिखाई दे रही हूँ, ये हमारे पास एक अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास एक अमोर्फस सॉलिड है और ठीक है, इस टाइप का कोई अमोर्फस सॉलिड हमारे पास है। अब देखिए इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये वाले, इतने में और इतने में, इन सभी का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न है वो कैसा शो कर रहे हैं, ये सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न शो कर रहे हैं। तो इन्हें, ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्रिस्टिलेट, और ये हो गया आपका क्रिस्टिलेट। तो क्रिस्टिलेट क्या है, किसी अमोर्फस सॉलिड के वो पार्ट जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है, वो छोटे छोटे से पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टिलेट बोलते हैं। हो गई इतनी बात, ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड में लगातार आते हैं वो आपको बता दिए। अब तीसरा क्वेश्चन एक और आता है इसमें, व्हाट यू मीन बाय एनिलिंग, व्हाट यू मीन बाय एनिलिंग, एनिलिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या फिर जो ग्लास है, ग्लास टर्न मिल्की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, ये तीनों मैंने बताए हैं, इन तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पार्ट से, सॉलिड स्टेट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एनिलिंग क्या होती है, या फिर जो आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई पुराना कांच का ग्लास वगैरह रखा हुआ है तो आपने देखा होगा कि धुंधला सा हो जाता है, मिल्की का मतलब है कुछ धुंधला सा, जैसे घरों में भी जो विंडो पेन्स आपके यहाँ व्हाइट कलर के लगे होंगे, मीन्स ट्रांसपेरेंट लगे होंगे, अगर 10-12 साल पहले लगवाए होंगे तो अब वो कुछ धुंधले से होने लगे, और अधिकतर वो वाले ग्लास जो कि बाहर की साइड में, मीन्स जहां पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ रही होगी, वो ग्लास कैसे होने लगते हैं, धुंधले होने लगते हैं। तो ये धुंधले क्यों होते हैं, ये धुंधले हो जाते हैं ड्यू टू एनिलिंग, किसके कारण हो जाते हैं, एनिलिंग की प्रोसेस से हो जाते हैं। अब आखिर ये एनिलिंग की प्रोसेस क्या है, इसे भी तो समझना है। तो एनिलिंग क्या होता है, किसी भी ग्लास ऑब्जेक्ट पर, मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास ग्लास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी ग्लास ऑब्जेक्ट पर जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, सनलाइट से वो क्या होता है, हीट होता है,
इस पर सबसे पहले क्या पढ़ी, सनलाइट, सन लाइट, और सनलाइट पढ़ते ही ये कैसा हो गया, हीट हो गया, ठीक है। सनलाइट पढ़ने पर ये हीट हुआ, और जैसे ही शाम हुई तो ये धीरे धीरे क्या होने लगा, आपका कूल होने लगा, ठंडा होने लगा। तो लगातार सालों से वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, हीट हो रहा है, कूल हो रहा है, जिसके कारण जो ये पूरा आपका अमॉर्फस सॉलिड है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कन्वर्ट होने लगते हैं किसमें, क्रिस्टिलेट में, ठीक है। वो क्या बनाने लगते हैं, क्रिस्टिलेट का फॉर्मेशन करने लगते हैं, और इसी क्रिस्टिलेट का फॉर्मेशन करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनिलिंग कहते हैं। और एनिलिंग के कारण ही कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑब्जेक्ट है सालों बाद आपको मिल्की दिखाई देने लग जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एनिलिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लगातार हीटिंग और कूलिंग होने के कारण जो अमॉर्फस सॉलिड है वो छोटे छोटे से क्रिस्टिलेट में कन्वर्ट होने लगता है। मैंने आपको बताया था ना कि अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉर्फस सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। कल ये बात आपको पूरी अच्छी तरीके से मैं समझा चुकी थी। तो वही बात यहाँ पर हुई कि हीट और कूल होने के कारण जो अमॉर्फस सॉलिड है उसमें जगह जगह क्या बनने लगे, छोटे छोटे से क्रिस्टिलेट अपने आप फॉर्म होने लगे, ठीक है। और क्रिस्टिलेट के फॉर्मेशन होने की जो प्रोसेस है, इसी को हमने क्या बोला, एनिलिंग। और एनिलिंग के कारण हुआ क्या, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो मिल्की दिखाई देने लगा, मीन्स धुंधला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये जो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जाते हैं, मैंने तीनों आपको समझा दिए विद डिस्कस कर लिए कि कैसे ये सारी प्रोसेस होती है, ठीक है। बताइए समझ में आया या नहीं, बता तो दो, हाँ ना लिख दो, समझ गए या नहीं समझे। गर्मी बहुत है भैया आज, बारिश बारिश कराओ। यस श्वेता प्रसिस्टी, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए नहीं कि आप लोग। तो यहाँ से ये आपके तीन क्वेश्चन बने थे, मैंने आपको समझा। अब बात करते हैं, आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं और आपकी छुट्टी करते हैं, कल आपसे नया टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रबर, रबर को आप आइसोट्रोपस सॉलिड कहेंगे या एनआइसोट्रोपस सॉलिड कहेंगे, रबर को कैटेगराइज करिए। और जो ये क्वेश्चन पूछती हूँ ना मैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इस साल बोर्ड में आने हैं, तो कृपया करके इनकी तैयारी प्रॉपर करते रहें। रबर को आइसोट्रोपस या एनआइसोट्रोपस, हाँ भाई प्रशस्ति का केवल आंसर आया है, रबर को आइसोट्रोपिक सॉलिड में रखेंगे। सुमान्या वेरी गुड, सुमान्या वेरी गुड प्रशस्ति, ठीक है। रबर को किस में रखते हैं, हम आइसोट्रॉपिक सॉलिड में रखते हैं, क्योंकि रबर एक अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड कैसा होता है, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। हाँ भाई, हाँ भाई, जो केमिस्ट्री वाले हैं, केमिस्ट्री वाले आज सीट लेने मत आइएगा, ठीक है, ये आप कल आइएगा और आफ्टर शाम को, मीन्स इवनिंग में 5 बजे के बाद। और जो फिजिक्स वाले हैं वो आज आके इवनिंग में 5 बजे के बाद सीट ले जा सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स और बायोलॉजी वाले आज शाम 5 बजे के बाद सीट ले जा सकते हैं, और केमिस्ट्री वाले कल शाम को 5 बजे के बाद, ठीक है। और जो भी आए एक मैसेज कर दे मुझे व्हाट्सएप पर कि मैडम मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं घर पर हूँ ना हूँ, सर है या नहीं है, इसलिए, ठीक है। तो आज आना है फिजिक्स और बायोलॉजी, और कल आना है केमिस्ट्री। चलिए, तो इतनी बात समझे। सेकेंड क्वेश्चन बताइएगा, जो NaCl है, NaCl को कौन से सॉलिड में रखा गया है, मींस क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस, NaCl को कौन से सॉलिड में कैटेगराइज किया गया है,